कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मौसम यहाँ पे भी चेंज होने लगा है। थोड़ा थोड़ा ठंड होने लगी है। सो मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं स्वेटर वगैरह पहन के बैठी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ लंच अपने हस्बैंड के टिफिन के लिए। सो ये मैं लाई थी, ये मैं बनाऊंगी। सो ये है करेला टाइप सी होता है ये, बस करेला ग्रीन होता है, ये सफेद होता है। तो देखते हैं कैसा बनता है। मैं पहली बार ये लेके आई हूँ और आज मैं इसे कुक करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये कैसा बना है। और सबसे पहले पी लेते हैं गर्म पानी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये देखिए दिखने में तो करेला जैसा ही है। सो मैं इसे नमक के पानी में डाल देती हूँ। सो अभी मैंने फटाफट जो करेला कट किया था ना उसे मैंने पानी में डाल दिया है। तो नमक वाला पानी था ताकि अगर ये कड़वा हो तो थोड़ी सी कड़वाहट निकल जाए। आप चाहे तो नमक इस पर रब भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे नमक वाले पानी में सोख करना ज़्यादा सही लगता है। और वैसे जब ये बन गया था ना तो ये इतना ज़्यादा कड़वा नहीं था। तो अब मैंने पानी में से अच्छे से निचोड़ के मैं निकाल रही हूँ और इसके बाद जो है हम इसे छौंकेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि ये किस तरह का बना है, इसका टेस्ट कैसा था, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। सो बस अब फटाफट से इसको छौंक लेते हैं। तो मैंने प्याज भी कट कर लिए। सो प्याज मैंने आधी प्याज ली है इसके लिए और छील के और फटाफट से मैं उसे लंबा लंबा जो है कट कर लूँगी इस तरह से। और प्याज से ना इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। करेले में जो आप सूखा करेला बनाते हैं ना उसे उसमें आप प्याज ज़रूर ऐड कीजिए तो बहुत ही अच्छा आपको एक फ्लेवर आएगा। सो अब मैंने एक पैन हीट किया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और इसके बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ करेला मसाला या फिर आप इसे पंचफोरन बोल सकते हैं या अचारी मसाला जो आप बोलना चाहें। तो मैंने 2 टीस्पून डाला है और बस अभी से अच्छे से क्रैकल होने देंगे। एक बार इसमें जो राई और मेथी सीध है ना वो क्रैकल हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी कट की हुई अनियंस थी वो। और अनियन से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। सो अब बस मैं इसमें अनियंस ऐड कर दूंगी। सब क्रैकल हो गए हैं और मैंने क्या किया अनियंस को ना थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लिया है इस तरह से कि वो लच्छे टाइप्स जो है आपको दिखे। सो अनियंस को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी सारे मसाले के साथ, ये जो हमने साबुत मसाला डाला था इसके साथ। और हल्की सी अनियन आपको फ्राई होते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना बेसिक जो मसाला है वो ऐड करेंगे। सो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर, साथ में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम उसमें, धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें ना आप आमचूर पाउडर ऐड कीजिए। तो मैं इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड करती हूँ, उससे क्या होता है बहुत ही एक अच्छा सा जो है टेस्ट आता है। तो भिंडी करेला ऐसी जो सब्जियाँ होती है ना इसमें आमचूर पाउडर डालते बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो ये मैंने मसाले का एक मिक्सअप बना लिया था, जो जो मैंने आपको मसाले बोले हैं वो सब मैंने इसमें डाल रखे थे और उसको मैंने इस प्याज में ऐड कर दिया। बहुत ही हल्का सा मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद जो हमने करेले कट करके रखे थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सो देखिए बिल्कुल नॉर्मल जो इंडियन करेला होता है वैसा ही दिखता है, बस कलर इसका वाइट होता है। सो करेला ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और सारा मसाला इस पर अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसके बाद ना मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे जब तक ये जो करेला है ना सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा होगा। तो मेरे को अराउंड 10 मिनट्स लगे इसे कुक करने में। सो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छे से ढक्कन लगा के पकने देंगे। सो ये है गाइस हमारा टेस्टी सा करेला जो रेडी हो गया है और ये बहुत ही कम कड़वा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे हरे करेले के साथ भी चाहे तो बना सकते हैं।
सो बेडरूम में थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो लंच मैंने बना दिया था और मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया अपने हस्बैंड के लिए और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड जो है वो टोस्ट होने के लिए रख दी है, साथ ही मैं फ्राइड एग बना रही हूँ। तो फ्राइड एग बनाना तो बहुत ही आसान होता है, आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए और एग को क्रैक करके सीधे पैन में डाल दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत करिए। थोड़ा सा जब आपको लगे सेट हो गया है तो इसको आप पलट सकते हैं, या अगर आपको ऐसे सनी साइड पसंद है, मतलब आप योक ज़्यादा पकाना नहीं चाहते तो आप नहीं पलटेंगे तो भी चलेगा। सो बस मैंने इसे पलट दिया है तो ये मेरा जो फ्राइड एग है ये लगभग कुक हो गया है। साथ में मैंने जूस जो है वो डाल दिया है एक ग्लास में और अपने लिए मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊंगी। सो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। सो ये टोस्ट भी मेरे रेडी हो गए हैं, इस पर हल्का सा हम बटर लगाएंगे और टोस्ट के साथ जो है फ्राइड एग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से आप बना के और खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, काफ़ी अच्छा लगता है। सो चलिए ये तो एकदम रेडी हो गया है, अब मैं जो है अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगी, बट पहले मैं अपने हस्बैंड को ये जो फ्राइड एग है ये जो है दे आती हूँ। सो देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है और इसे ब्रेड के ऊपर रखेंगे और बस ब्रेड के साथ इसे खा लीजिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्राइड एग, आप स्क्रैम्बल्ड एग या ऑमलेट की जगह कभी कभार ये भी जो है ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने ना दूध में चीनी डाल के उसे अच्छे से बॉयल कर लिया था और अब मैं उसको फ्रॉथ कर रही हूँ मिल्क फ्रॉथर की हेल्प से। तो ऐसे फ्रॉथ हो जाता है ना जब दूध, तो काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है आपकी कॉफ़ी में। सो देखिए मैंने कॉफ़ी बना के रखी थी तो इसमें मैंने ये मिल्क जो है ऐड कर दिया फ्रॉथ करके। थोड़ी सी इस पर मैंने कोको पाउडर डाला है और ये है हमारा टेस्टी सा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में और थोड़े से कपड़े जो है मैं लगा रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि जो कपड़े थे काफ़ी दिनों से पाइल हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए आज फटाफट से कपड़े भी लगा लेते हैं। सो ये डिटर्जेंट डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा कम्फर्टर भी इसमें ऐड करूँगी और बस फिर मशीन को चला देंगे और कपड़े जब एक बार धुल जाएंगे तो फिर उन्हें सुखा लेंगे। वैसे तो यहाँ पे डाइसो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिविंग प्लाज़ा के अंदर मिलते हैं, तो मैं लिविंग प्लाज़ा आई हुई हूँ अपने घर के पास एक बड़े वाले और यहाँ से मुझे कुछ सामान पिक करना था। तो मुझे कुछ कंटेनर्स लेने थे, स्टोरेज कंटेनर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना अलग अलग तरह के कंटेनर्स मिलते हैं, कुछ इस तरह से और बॉक्सेस वाले कंटेनर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है। वो कंटेनर्स लेने थे मुझे, कुछ कैंडल्स लेनी थी। देखिए यहाँ पे कैंडल्स की कितनी वैरायटी है, मैंने लैवेंडर वाली पिक करी थी और ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स मिलती है आपको, कैंडल स्टैंड भी मिलते हैं और इस तरह से ना बड़ी कैंडल्स भी आपको मिल जाती हैं। सो काफ़ी सारी वैरायटी होती है, सो ये काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो आपको घर में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना किचन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, वो सब जो है उसका सेक्शन बना है, काफ़ी बड़ा सा सेक्शन था। तो मुझे एक वेजिटेबल स्टैकर लेना था, मेरे पास ऑलरेडी दो थे तो मुझे फ्रूट्स के लिए लेना था, वो मैंने ले लिया है। और आप चाहें तो यहाँ से कुछ इस तरह से जो आपकी क्रॉकरी है वो भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। कि आपने देखा मैं अभी लिविंग प्लाज़ा से होके आई हूँ और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बहुत लिविंग प्लाज़ा जाती हूँ। तो लिविंग प्लाज़ा यहाँ पे एक आप जैसे आप कह सकते हैं इट्स अ डॉलर स्टोर टाइप का, तो ये जापनीज कॉन्सेप्ट पे बना है और ये हर जगह है। तो इसका जो प्राइस होता है वो होता है जो बेसिक इसमें 90% जो आइटम्स होते हैं उनका प्राइस होता है 1.50 USD यानी 1.50 US डॉलर। अगर हांगकांग की बात करूँ तो 12 हांगकांग डॉलर और जापनीज में 100 येन जो है इसका बेस प्राइस होता है। और मैक्सिमम शायद आपको 5 येन तक की चीज़ें मिलती हैं, सॉरी 500 येन तक की। सो हांगकांग करेंसी में शायद 60 HKD, उससे ऊपर का कोई स्टाफ नहीं होता वहाँ पे। तो मैं वहाँ से गई थी कुछ होम गुड्स लेने के लिए, कुछ डेकोरेशन आइटम, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइटम्स, क्योंकि आपको पता है दिवाली आ रही है और अभी टाइम भी हो गया था खाने का, बट मेरे गले में थोड़ा पेन है, थोड़ा सोर थ्रोट है मुझे। तो मैंने जो सुबह करेला बनाया था जो आपको दिखाया था वो तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि उसमें खटाई है। वीकेंड की कड़ी भी रखी थी बट वो मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं अपने लिए एक दालों का सूप बना रही हूँ और साथ में एक बॉयल एग है, मैं वो खा लूंगी। तो चलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको एक एक करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो ना बहुत ही लंबी हो जाएगी और हॉल वीडियो टाइप्स हो जाएगी।
फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। सो एक नई चीज जो मैं लेके आई हूँ इस बार वो है ये स्क्रैच आर्ट है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनेगा, बट मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मैं करूंगी। तो इसमें एक शीट आती है और एक स्क्रैचिंग टूल आता है, तो आपको ऐसे स्क्रैच करना होता है और ऐसे कलर्स निकलते रहते हैं। सो मैं दो लाई हूँ, एक ये और एक ये डिज्नी प्रिंसेस। और इनके इनके यहाँ ना एक अलग से सेक्शन होता है डिज्नी का और हेलो किटी का, जहाँ पे डिज्नी और हेलो किटी से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। सो वो और साथ में मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स लाई हूँ। सो एक ये ऑर्गेनाइजर लाई हूँ, ऐसा मेरे पास ऑलरेडी एक और है, एक ये लाई हूँ छोटू सा। उसके अलावा एक ये ऑर्गेनाइजर लाई हूँ, उसके अलावा ये नेल पेंट और लिपस्टिक के लिए ऑर्गेनाइजर लाई हूँ, ये लाई हूँ लिपस्टिक के लिए, और एक ये वुडन का क्रेट लाई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ। और इसके अंदर ना कुछ आप ये देख रहे होंगे, सो ये कुछ जार्स हैं और कैंडल्स हैं। साथ में मैं एक ये लाई हूँ, ये है चॉपिंग बोर्ड। तो मेरा प्लास्टिक वाला खराब हो गया था तो मैं ये ले आई हूँ। और एक राउंड मैट लाई हूँ मैं, सो ये कुछ डेकोरेशन के लिए लाई हूँ, जब मैं करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। साथ में एक ये बुद्धा जी लाई हूँ और इसमें आगे आप कैंडल रख सकते हैं। मास्किंग टेप, ये जो होते हैं इन्हें वाशी टेप बोलते हैं, तो इसमें प्रिंट्स होते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, इस तरह से मैंने काफ़ी यूज़ करती हूँ। सो ये लाई हूँ और ये लाई हूँ ये इयर रिंग्स के ऐसे हुक्स जो होते हैं ना वो हैं, तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। ये है डॉटिंग पेन जिससे आप नेल पेंट में डॉट्स बना सकते हैं। और ये चाहिए था मुझे, ये टॉयलेट क्लीनर है, इसे आप उसमें डाल दीजिए जिसमें पानी होता है ना पीछे, क्या बोलते होते सिस्टन में है ना, उसमें डाल दीजिए और फ्लश कीजिए तो इससे काफ़ी क्लीन हो जाता है। साथ में ये लाई हूँ एक सोप डिश, ये बहुत ही क्यूट इनके डिज्नी सेक्शन में था। सो ये मिकी माउस और मिनी माउस के कपकेक्स बनाने का है। सो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, तो उस पर मैं ट्राई करूंगी। ये एक लाइट है और ये एलईडी लाइट है और उससे चलती है पर आपके क्या बोलते हैं उसे सेल से, ये मैं आपको दिखाऊंगी जब यूज करूंगी। एक हुक लाई हूँ मैं ऐसे, डोर हुक, डोर के पीछे आप टांग सकते हैं। साथ में ये मिटन्स लाई हूँ दो छोटे छोटे, रबर बैंड लाई हूँ और ये वाली क्लिप्स लाई हूँ। साथ में कोम्ब है, ये है एरोमा ऑयल, सो ये फ्लोरर है मेरे डिफ्यूजर के लिए। और ये छोटे वाले पिंस भी लाई हूँ हैंग करने के लिए कुछ भी। और साथ में मैं लाई हूँ वैक्स, सो कुछ सोच रही हूँ अगर बन पाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा जरूर शेयर करूँगी। और ये है ये मैं अपने एयरपॉड्स के लिए लाई हूँ केस, तो बस यही लाई हूँ। उसके अलावा ये एक क्यूट सी ड्राइंग बुक लाई हूँ विसल, तो उसके अलावा एक ये ड्राइंग बुक लाई हूँ और एक ये लाई हूँ। ये ना वॉल पुट्टी है, तो अगर कभी छेद हो जाए दीवार में या कुछ स्क्रैच हो जाए तो इसको अप्लाई करके आप उसको क्लियर कर सकते हो। और एक ये लाई हूँ बहुत ही सुंदर सा स्पैचुला। सो बस यही सारी चीजें मैं लेके आई हूँ और कुछ कैंडल्स स्टैंड वगैरह लेके आई हूँ, बट वो मैं आप लोगों के साथ जब मैं घर थोड़ा ऑर्गेनाइज करूंगी ना दिवाली के लिए, क्लीनिंग करूंगी, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये दिखाना भूल गई, सो एक ये लाई हूँ मैं स्वीट होम, हाँ। सो बस यही था, मैं तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सो बस ठीक है, अभी मैं इन सबको सबमिट लेती हूँ, थोड़ा सा लंच कर लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है, और फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। सो ये जो मैं जार लेके आई थी दो, तो ये मैं चीनी और नमक के लिए लाई थी। मैंने सोचा चलिए इसमें नमक और चीनी जो है वो डाल देते हैं। सो एक में मैं चीनी डालूंगी, एक में नमक डालूंगी। सो बस यहाँ पे मैंने पहले वाले जार में जो है मैं नमक डाल रही हूँ। सो थोड़ा सा बड़ा सा जार होना चाहिए नमक के लिए, क्योंकि हम नमक काफ़ी यूज़ करते हैं तो छोटे डिब्बे में नमक अच्छा नहीं लगता। इससे पहले मैं प्लास्टिक का यूज़ कर रही थी, पर वो ना बार बार गिर जाता था और उसमें से नमक काफ़ी ज़्यादा गिरता भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस बार कांच के ले आते हैं। काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं और वैसे भी इको फ्रेंडली भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो आप कितनी भी यूज़ करें वो इतना अच्छा नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब जो है मैं दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। तो आजकल मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो दूसरे वाले बॉक्स में मैं ब्राउन शुगर यूज़ जो है वो डाल दूँगी। और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना ये, इसमें आप कुछ भी ऐसी चीज़ डालें ना जब आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मेरे दोनों नमक और चीनी के डब्बे जो हैं वो रेडी हो गए हैं और इसे मैं फटाफट से जो है मेरी जो शेल्फ है ये साइड में जो मैंने रखी है इसमें मैं रख देती हूँ और ये हो गया एकदम तैयार।
सो जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था गाइस, मैंने करेला बनाया था बट मेरा गला ख़राब हो रहा था तो मैंने करेला नहीं खाया। तो मैंने अपने लिए दाल का सूप बनाया था और कुछ बॉइल्ड एग्स थे, साथ में एक छोटी सी ब्रेड थी। सो बस आज का दिन तो ऐसा ही रहा, कुछ शॉपिंग करी और कुछ खाना बनाया, तो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब मैंने जो कपड़े सुखाए थे, कपड़े धोने के लिए रखे थे, उनको मैं सुखा रही हूँ। सो इस तरह से सबको मैं हैंग करती जा रही हूँ। मौसम भी आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़ी सी ठंड होनी शुरू हो गई है, सुबह सुबह मुझे तो स्वेटर पहनना पड़ता है। सो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, एंजॉय योर लाइफ, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय।